सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर इन्हें भला किसका डर था, यह जगदम्बा के प्यारे थे। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है हनुमान जी की जात क्या थी। इन्हें कोई छत्री कह रहा है, कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई आर्य बता रहा है, और यहां तक कि कोई इन्हें दलित भी कह रहा है। हर कोई इन्हें अपनी राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई जाती है, 8000 करोड़ रुपए खर्च करके श्री रामचंद्र की मूर्ति बनाई जाने की प्रस्ताव रखी गई है, 3600 करोड़ रुपए खर्च करके शिवाजी की मूर्ति बनाई जाने की प्रस्ताव रखी गई है। दोस्तों, ये फिजूल खर्ची उस देश में हो रही है जहां पर महिला अपराध में नंबर 1 पे है, भुखमरी में 103 स्थान पे है, लैंगिक भेदभाव में 108 स्थान पे है, शांति स्थापना में 136वें स्थान पर है, आर्थिक स्वतंत्रता में 130वें स्थान पर है। ऐसे देश में ये फिजूल खर्ची की जा रही है। दोस्तों, मोदी जी लोगों को मूर्ति और मंदिर दिखा करके जनता का पेट भरना चाहते, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भूख लगने पर खाना याद आता है, मंदिर मस्जिद नहीं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार, खाना और लोगों को भुखमरी से बचाना। दोस्तों, भारत की आबादी के 30% लोग अंधभक्त हैं, और ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम 70% लोग अगर चाहें तो भारत को अखंड भारत बना सकते हैं, और भारत को स्वर्णिम भारत बना सकते हैं, और भारत को एक नई पहचान दे सकते हैं, एक नया युग बना सकते हैं। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हम और आप इनके कारनामों का बखान करते रहेंगे, क्योंकि काम नहीं कारनामे बोलते हैं।